नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में और एक मजेदार टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो है ब्लेंडर के अंदर हम लोग किस तरह ग्लोइंग ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करें। ये देखिए, ये एक मंकी फेस है ब्लेंडर के अंदर, बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल रहता है मेस के अंदर। और इसके ऊपर हम लोग ने एक ग्लोइंग इफेक्ट ऐड किया है, ये विजुअल इफेक्ट है। इसको किस तरह ऐड करना है आज के ट्यूटोरियल का चर्चा का विषय है। तो चलिए जानते हैं, ये बहुत ही आसान है। अगर आपको बेसिक्स पता है ब्लेंडर के तो ये बड़े आराम से आप समझ लोगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे इस YouTube चैनल में मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बना के रखे हैं, VFX मॉडलिंग, एनिमेशन रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियो गेम डिजाइन के ऊपर भी मैंने बना के रखा है। तो आपको आपका इजी फॉलोअप के लिए मैंने सारे ट्यूटोरियल्स को कैटेगराइज करके अरेंज करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके फॉलो करिए, आपको आसानी गिरेगा फॉलो करने के लिए। और मेरा एक फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज में मैं जो भी मेरे यूट्यूबर फॉलोअर्स हैं वो मुझे सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ और अपकमिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में जानकारी वहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप अभी तक मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नया टॉपिक, नया ट्यूटोरियल इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ तब आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस तरीके के ग्लोइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है ब्लेंडर के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं, एक्स फिर डिलीट, ओके, शिफ्ट ए मेस, और हम लोग मंकी ऐड करेंगे, ठीक है। ये मंकी स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करेंगे तो एक मॉडिफायर ऐड कर देंगे, सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर। रेंडर को 4 पे सेट करेंगे और फिर व्यू पोर्ट को भी 4 पे सेट करेंगे। ये देखिए स्मूथ हो गया। इसको और फर्दर स्मूथ करने के लिए सेट स्मूथ। अब हम क्या करेंगे, और एक विंडो ओपन करेंगे और यहाँ से ऑन कर देंगे शेडर एडिटर। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे शेडर के साथ, नोड के साथ काम करेंगे। यहाँ पर देखिए रेंडर्ड मोड यहाँ से ऑन कर देंगे और फिर ग्रिड को छुपा देंगे। अब क्या करेंगे, ये वर्ल्ड में एक डिफ़ॉल्ट लाइट है, उस लाइट को हटा देते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर चले और ये जो स्ट्रेंथ है इसको जीरो कर देंगे तो बैकग्राउंड एकदम से डार्क हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मंकी फेस में, इस मंकी मॉडल में हम लोग एक मटेरियल ऐड करेंगे न्यू। जैसे हम लोग यहाँ पे मटेरियल ऐड किए, यहाँ पे देखिए एक एग्जैक्ट इसी चीज़ का नोड हमें मिल गया। एक है प्रिंसिपल्ड BSDF, दूसरा है मटेरियल आउटपुट। हम क्या चाहते हैं, प्रिंसिपल्ड BSDF के साथ साथ इस मटेरियल में, इस ऑब्जेक्ट में हम लोग एक एमिशन फीचर ऐड करें। जैसे ट्यूबलाइट बल्ब है वो लाइट एमिट करता है, उस तरीके का एक फीचर ऐड करें। तो कैसे करेंगे, जब हम दो डिफरेंट नोड को ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF और एमिशन को हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए मिक्स्ड शेडर। मिक्स्ड शेडर एक नोड है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, कहीं पे भी हम लोग इस शेडर पैनल के अंदर क्लिक करके शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फिर सर्च में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मिक्स शेडर। जैसे मैं मिक्स लिखता हूँ, देखिए मुझे मिक्स शेडर मिल गया। आप देख पा रहे होंगे मिक्स शेडर में दो शेडर ऐड करने के लिए ऑप्शन है। तो पहले शेडर में प्रिंसिपल BSDF का आउटपुट आएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग जो ऐड करना चाहते थे वो क्या था, वो था एमिशन। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फिर सर्च में जाएंगे, फिर एमिशन टाइप करेंगे, तो इसका आउटपुट दूसरे पॉइंट पे देंगे। अब इसका आउटपुट सरफेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो इनपुट मिक्स शेडर में गया, फिर मिक्स शेडर का आउटपुट मटेरियल आउटपुट को गया, ठीक है। अब ये देखिए ग्लो करने लगा है। अब इसमें स्ट्रेंथ हम लोग सेट करेंगे 100 पे सेट करेंगे और कलर जो है वो हल्का ऑरेंज कलर रखेंगे, जैसे कोई आग में तप रहा हो, ठीक है। नाइस। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो है कलर रैम। तो शिफ्ट ए मैस, शिफ्ट ए सर्च, फिर कलर। देखिए जैसे ही कलर लिखा, कलर रैम्प आ गया, इसको सिलेक्ट करना है। अब इसका जो कलर आउटपुट है ये पॉइंट हम देंगे इस फैक्टर, मिक्स शेडर का जो फैक्टर है उस पॉइंट को हम लोग देंगे, ठीक है। हमें और एक नोड की आवश्यकता होगी और वो नोड है लेयर वेट। शिफ्ट ए सर्च, लेयर
वेट, ये देखिए लेयर वेट नोड है, इसका जो फेसिंग है उसका आउटपुट देंगे, याद रखिए इसका जो फेसिंग है उसका आउटपुट देंगे कलर रैम फैक्टर में। देखिए जैसे हम लोगों ने वेट दिया तो काफ़ी सारी जगहों पे हमें डार्क स्पॉट मिलने लगे, तो इससे हमें एक नेचुरल इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन डार्क पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कलर रैम्प पे दो पॉइंट नोड है। अगर आपने कभी फोटोशॉप किया हो या फिर इलस्ट्रेटर यूज़ किया हो तो आपको इस तरीके के कलर रेंज सिलेक्ट करने का एक विकल्प मिलता है, ये एग्जैक्ट वही चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो भी घबराने की कोई चीज़ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट है और ये रहा ब्राइट पॉइंट, ये रहा डार्क पॉइंट। तो डार्क पॉइंट को जितना बढ़ाएंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो डार्क पॉइंट्स है उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। अगर हम व्हाइट पॉइंट को बढ़ाएंगे तो व्हाइट स्पॉट्स जो जो हैं उसका अमाउंट बढ़ेगा। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोग पहले डार्क स्पॉट को बढ़ाते हैं। तो मैंने डार्क को सिलेक्ट किया और फिर इसको बढ़ाया, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंड अमाउंट 0.5 है, इसको घटा देंगे थोड़ा, 0.2 रख देते हैं या फिर इसको 0.8 रखते हैं, बहुत ये हो रहा है, 0.6 रखते हैं, हाँ ये सही रहेगा। इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइट को भी बढ़ाएंगे, वाइट पॉइंट्स भी बढ़ा। ठीक है, बढ़िया सा इफेक्ट मिल रहा है ना। और अब हम बिल्कुल तैयार हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ये फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा एंड रिजल्ट, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके का एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ब्लेंडर के अंदर। कोई सवाल हो कृपया कमेंट करें, मैं आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।